एंड नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे डिकेटो सब्सक्राइब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी रंगोली क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल फ्री, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो अगला स्टेप मैं बताने वाली हूँ, जिसमें कि हम सीखेंगे कलर, आपको कलर्स कैसे फिल करना है, किसी भी शेप पे किस तरीके से फिल करना है और आपको उसकी प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ मैंने आई बटन पर वहाँ पर लिंक दे दिया है एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दे दिया है, तो आप जा सकते हैं वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो और साथ ही साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे वीडियो से कुछ भी छोटी सी चीज़ें सीख पा रहे हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कि कलर किस तरीके से आप किसी भी शेप में कलर कैसे फिल करेंगे। तो देखिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैंने सेकंड वीडियो पे बताया था कि आपको किस तरीके से आपको रंगोली पकड़नी है, किस तरीके से आपका हाथों का पोजीशन होगा एंड आप किस तरीके से उसे स्लाइड करेंगे, मैंने बताया है। यहाँ पर भी मैं बता दे रही हूँ, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, मैंने आई बटन पर उसका लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है। तो देखिए, अब हम शेप बनाते हैं कोई सा भी। जैसे कि देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक फ्लावर बनाया है, अब हम इसमें कलर फिल करेंगे। तो देखिए, हमको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा, जहाँ से हम ऐसे यूं ही स्लाइड करेंगे, बस धीरे धीरे से ड्रॉप करना है कलर। अपने अपने अंगूठे को हम स्लाइड करते जाएंगे, फर्स्ट वाले फिंगर पे हम स्लाइड करते जाएंगे और देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो कलर है वो गिरता हुआ जा रहा है, जो रंगोली है वो अभी नहीं गिरेगा। ये प्रैक्टिस आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो आपका जो हाथ है वो उस चीज़ को पकड़ ले कि आपको कैसे स्लाइड करनी है, किस जगह पे कहाँ पर रंगोली कितना ज़्यादा लगना है, कहाँ पर कम लगना है। तो इस तरीके से फिर आपको पूरा जो अलग अलग शेप बनाने हैं, मैंने जितने भी अभी तक बोला है उन सभी को आपको फिल करना है, वैसे बनाकर आपको उसमें कलर्स भरने हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ इसी तरीके से आपको कलर्स भरने हैं। मैं और भी बना के दिखाती हूँ, देख लीजिए। आपको सिर्फ हाथों का मोशन देखना है, जो शेप का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको ले जाना है, बस फिल करते हुए धीरे धीरे स्लाइड करते हुए आपको हाथों को चलाना है, मतलब कि आपको हाथों को मूवमेंट कराना है उस शेप के अंदर, हाथों को मूवमेंट कराना है कुछ इस तरीके से। और आप अपने कंफर्टेबल से, देखिए कलर्स जो होता है वो आप अपने कंफर्टेबल से बनेंगे, बस इतना याद रखना है आपको कि आपका हाथ उस कलर पे टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, थोड़े दूर से हमको कलर ड्रॉप्स करने हैं कुछ इसी तरीके से। तो आप जितने भी शेप ट्राई किए हैं उन सारे शेपों में कलर फिल करके देखिए, आपको कलर भरने के बाद आपका जो रंगोली है वो कैसा दिखता है, उसका फोटो मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पेज पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, फोटो मुझे दिखा सकते हैं एंड कमेंट करके भी बता सकते हैं कि क्या आपने रंगोली के शेप में कलर्स भरना, रंग भरना आपने सीख लिया है। तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं और अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है प्लीज़ एक कमेंट जरूर करिएगा। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मेहनत करो एंड सब्र रखो। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। नमस्ते एंड बाय बाय।